हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका वेलकम करता हूँ मेरे चैनल में। तो आज हम लोग देखेंगे कि खुद का थीम हम लोग कैसे बना सकते हो। ठीक है, एक्चुअली गूगल पे बहुत सारे थीम्स अवेलेबल होते हैं, एडमिन डैशबोर्ड, एडमिन पैनल, जो भी आप बोल लो। तो ये बूटस्ट्रैप में खुद का अगर आप बनाना चाह रहे हो, क्योंकि खुद का बनाने में काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है आपका डिज़ाइन, तो बेहतर होता है लोग परचेज़ कर लेते हैं। बट अगर आप फ्रेशर हो, आपको लर्न करना है, सीखना है कि भाई कैसे रिस्पॉन्सिव बनाना है इन सब चीज़ों को। ठीक है, तो वो तो ज़रूरी है ना, रिस्पॉन्सिवनेस, आपकी वेबसाइट मेंटेन रहे, उसकी रिस्पॉन्सिवनेस। तो उसके लिए आपको क्या है, अच्छे से डिज़ाइनिंग आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि रिएक्ट जेएस में हम लोग ये जो थीम बनाते हैं कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कई सारी छोटी छोटी सपोर्टिव फाइल्स भी लगती है जब आप कोई थीम बनाते हो, बट मैंने उनको ऐड नहीं किया है क्योंकि इसकी नीड नहीं है। एज ए फ्रेशर अगर हो आप या बिगिनर हो, तो आपको उसकी नीड नहीं है। तो मैं चार कंपोनेंट्स यूज़ करूँ यहाँ पे। एक ये मेरा नोवा डॉट जे एस, ये जो हेडर कंपोनेंट है, एक साइड और का कंपोनेंट है, और एक डैशबोर्ड का कंपोनेंट है, और एक ये चार्ट वाला कंपोनेंट है। क्योंकि चार्ट वाला कंपोनेंट इसमें था नहीं, तो मैंने इसको पैकेज के थ्रू ऐड किया और उसका डिज़ाइन यहाँ पे किया है। तो आपको दिख रहा होगा सबका नंबर, ऑरेंज, रेड वगैरह, जो भी जिसका परसेंटेज दिख रहा है, जिसने जितना ऑक्यूपाई करके रखा है। तो चलिए हम लोग कोड में देखते हैं। एज ए रिएक्ट डेवलपर आपका डिज़ाइनिंग पार्ट भी अच्छा होना चाहिए फ्रेंड्स। तो हम लोग कोड की तरफ चलते हैं, और इसका लिंक जो दे दूंगा मैं, आप लोग डाउनलोड कर लेना। मेरा ये वेबसाइट है, यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट मैंने छोटे छोटे डाल के रखे हुए हैं। ठीक है, एडमिन डैशबोर्ड, अगर ये एडमिन डैशबोर्ड वाला प्रोजेक्ट भी डाला है, उसके अलावा भी कई सारे यहाँ पे प्रोजेक्ट आपको दिख रहे होंगे, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो चलते हैं हमारे ऐप में। तो यहाँ पे कॉलम्स वगैरह मैं यूज़ किया हूँ। मटेरियल यूआई भी आप यूज़ कर सकते हो, बूटस्ट्रैप भी यूज़ करते हो, और भी बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं, आप भी वो यूज़ कर सकते हो। तो ये बूटस्ट्रैप वाला पार्ट है। तो चलते हैं हम लोग कोड में। अब कोड में जाने से पहले मैं SRC में, अगर आप SRC में जाते हो तो आपको एक फोल्डर मिलता है कंपोनेंट्स, और एक फाइल मिलती है app.js। बाकी किसी का काम है नहीं एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा CSS का कोड अगर आपको लिखना है, तो app.js में थोड़ा लिख सकते हो, और index.css में कुछ नहीं है। app.js है, उसमें मैंने अपने कंपोनेंट्स कॉल कराए हैं। कंपोनेंट्स मतलब ये जो कंपोनेंट्स है, एक साइड बार, एक हेडर और एक डैशबोर्ड, कंपोनेंट्स को मैंने कॉल कराया है, जिनको कंपोनेंट्स बोलते हैं। तो वो फाइल है मेरे इस फोल्डर में, कहाँ पर, कंपोनेंट्स में। तो dashboard.js, navbar.js, pie chart.js और sidebar.js, तो उनको मैंने कॉल करा लिया है कहाँ पर, app.js में। अभी हाँ, यहाँ पर आपको pie chart.js नहीं दिख रहा होगा, बट pie chart.js इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि उसको मैंने कॉल किया है dashboard.js में यहाँ पर। क्योंकि जो pie chart.js है, ये जो कंपोनेंट है, ये मेरा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, उसकी ज़रूरत मुझे इस डैशबोर्ड में थी। तो मैंने क्या किया है, उस pie chart को इस डैशबोर्ड में कॉल करा के यहाँ पे कहीं तो कॉल करा है, देख लेते हैं कहाँ गया, टेबल के बाजू में ही है, ये रहा कंपोनेंट हम लोग ने यहाँ पे कॉल करा है। अगर आपको एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट में कॉल कराना है, तो इस तरह से कराते हैं। पहले तो उसको यहाँ पे हम लोग ने कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लिया, देन इस तरह से उसको कॉल कर लिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने कॉल कर लिया, राइट। अगर मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, तो ये वहाँ से चला जाएगा। ऑटो रिफ्रेश होता है, बट पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। अच्छा, चला गया। ठीक है, तो उसको मैं वापस से कंट्रोल जेड कर देता हूँ, और ये मेरा पाई चार्ट का जो कंपोनेंट है, डैशबोर्ड डॉट में इंटीग्रेट हो गया, आके चिपक गया, यहाँ पे पेस्ट हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं कि अब हमारे पास और भी कंपोनेंट्स हैं, हम लोग देख लेते हैं। अब ये navbar.js है, ठीक है, तो उसमें सिंपल सी डिज़ाइन है navbar की, ये मैंने बूटस्ट्रैप से उठाई हुई है। ठीक है, सब बूटस्ट्रैप से उठाया मैंने, मेरे खुद की कोडिंग नहीं है। तो आप लोग को ऑलरेडी बूटस्ट्रैप के वेबसाइट पे आप जाओगे तो ये सब चीज़ें वहाँ पे मिल जाएगी, तो परेशान होने की जरूरत नहीं कि एक एक चीज़ आपको कंपोनेंट, मतलब एक एक चीज़ आपको लिखनी नहीं है। अगर आपको थोड़ा भी CSS का और HTML का अच्छा नॉलेज है, तो आप आराम से कोई भी डिज़ाइनिंग कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑटो रिफ्रेश हो गया, तो यहाँ पे लोड हो गया मेरा चार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं, ये मेरा navbar का पार्ट हो गया। यहाँ पर हम लोग चलते हैं साइड बार में। साइड बार में मैंने कुछ बना के रखा है यहाँ पर, जो कि ये दिख रहा होगा आपको। अच्छा, ये आइकन्स जो है, ये फॉन्ट ऑसम वाले आइकन्स है, तो फॉन्ट ऑसम पे आप जाओगे तो आपको काफ़ी सारे आइकन्स वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, नेट स्लो चल रहा है, यहाँ पर देखिए कई सारे आइकॉन्स आपको मिल जाएंगे। अभी जैसे आप डालते हो फाइल, तो हम लोग फाइल डाल देंगे, आपके ऊपर है, आप बूटस्ट्रैप के भी आइकॉन्स यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये तो आइकॉन्स यहाँ पे मिल गए, तो सारे के सारे आइकॉन्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। और यहाँ पे मैंने फिर वो मेनू वगैरह जो भी था साइड बार में दिख रहा है, UL में सबको ले लिया है, और यहाँ पे कॉल करा दिया है। ठीक है,
फिर कलर वगैरह जो भी रखना है, ग्रे रखना है, वाइट रखना है, वो आप बूटस्ट्रैप का क्लास यूज़ करके कलर रख लीजिए। जैसे बूटस्ट्रैप का क्लास की बात क्या कि मैंने टेक्स्ट सेकेंडरी, तो ये बूटस्ट्रैप का एक क्लास है कलर के लिए, तो ये हल्का सा ग्रे कर देता है, लाइट ग्रे कलर रखता है। टेक्स्ट प्राइमरी तो वो शायद से रेड करता है, टेक्स्ट सक्सेस तो वो ग्रीन करता है। ऐसे अलग अलग क्लास का नाम है अलग अलग कलर्स के लिए, ठीक है। तो कुछ कलर्स का क्लास उन्होंने सेट करके रखा है, 10 से 8 कलर जो है उनका क्लास का, क्लास के थ्रू उस कलर को हम लोग कॉल करा सकते हैं। अब ये pychart.js, अब पाई चार्ट में कुछ चीज़ें नहीं है, मैं बता देता हूँ। पाई चार्ट में अगर काम कर रहे हो या ग्राफ, जो भी ग्राफ, जैसे पाई चार्ट तो ग्राफ का एक पार्ट है, उसमें बार चार्ट है या पाई चार्ट है या लीनियर है, बहुत सारे अलग अलग चार्ट्स आते हैं, तो इसको मैं दिखा देता हूँ आपको अगर आपको कॉल करना है तो। ये एक पैकेज है, पाई चार्ट जो दिख रहा है यहाँ पर, एक पैकेज के थ्रू मैं ला रहा हूँ, मेरी खुद की कस्टम कोडिंग नहीं है। तो यहाँ पे package.json में आपको जाना है और ये आपको ये देखना है, ठीक है। एक पैकेज मैंने इंस्टॉल करके रखा है, react-chart.js-2। अब चलते हैं इसको हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि क्या है एक्चुअली। तो यहाँ पर react-chart-2 जो है ये पैकेज है, ठीक है। तो इसके थ्रू आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो जो भी आपको चाहिए, अभी डग नट ये है ना, इसको मैं कॉल करके देखता हूँ ये चलता है या नहीं चलता है, ठीक है। तो अपने को हमें आइडिया हो जाएगा कि पाई चार्ट हमारा जो भी, अगर कोई भी हम लोग दूसरा मतलब पाई चार्ट को कॉल कराना चाहते हैं तो वो वर्क करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। अब इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, यहाँ पे चेक करते हैं, ओके। क्योंकि ये इंपोर्ट नहीं किया हुआ है तो कैसे चलेगा, तो पहले हम लोग को यहाँ पे इसको कॉमा करके इंपोर्ट कर लेते हैं, अब देखते हैं, ठीक है। तो ये चेंज हो गया, तो पाई चार्ट का ये फ़ायदा यहाँ पे, आप जो भी यहाँ पे नाम दोगे वो यहाँ पे ले लेगा। जैसे अलग अलग टाइप लाइन है, हॉरिजॉन्टल बार है, रडार है, तो चलो लाइन वाला हम लोग एक और यूज कर लेते हैं, फिर इसको बंद करते हैं यहाँ पे। लाइन इसको चेक कर लेते एक बार, ओके। लाइन सपोर्ट नहीं कर रहा है तो देखते हैं, हाँ लाइन वाला कैप्स में होना चाहिए, ठीक है। तो ये लाइन वाला चार्ट यहाँ पे दिख रहा होगा ग्राफ, ठीक है, ठीक है। तो आपके ऊपर है, आप कौन सा चार्ट यहाँ से आपको शो कराना है, आप इस तरह से करा सकते हो। तो इन्होंने कोड वगैरह भी दिया है, ठीक है। तो ऑलरेडी पैकेजेस में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो ये मेरा हो गया पाई चार्ट वाला पार्ट, और उसमें मैंने ये कलर वगैरह जो भी सेट कराए, इस तरह से डेटा को सेट करना है आपको, ठीक है। कलर, बैकग्राउंड कलर और बॉर्डर कलर जो भी है, और कलर यहाँ पे सेट कर दिया एक एरे में, और उसके बाद बैकग्राउंड कलर वगैरह जो भी देना है आप दे सकते हो। बॉर्डर का विड्थ यहाँ पे 1 दे दिया है, ठीक है। तो इस तरह से उसका हम लोग ने इस पर वर्क किया। अच्छा, एक चीज़ और भी थी यहाँ पर, ये टेबल में कुछ डेटा आ रहा है, तो टेबल में जो डेटा है ये डायनामिक डेटा है। डायनामिक डेटा मतलब ये आ रहा है आपका फेक जेसन एपीआई से, तो उसको भी देख लेते एक बार। हम लोग चलते हैं यहाँ पर, यहाँ पे मैंने क्या किया, स्टेट का यूज़ कर रहा हूँ। आपको रिएक्ट जेस में हुक्स का पता होगा, तो उसमें स्टेट वगैरह हम लोग बनाते हैं। तो स्टेट में मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक एरे ले लिया, क्योंकि मुझे क्या मल्टीपल डेटा शो कराना है इस वेबसाइट से। तो ये वेबसाइट क्या कहाँ से आ रही है उसको भी देख लेते हैं, ओके। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मुझे बहुत सारे फेक डेटा मिल गया है। ये जेसन प्लेस होल्डर है ना, ये काफ़ी सारा डेटा फेक में आपको देता है टेस्टिंग के लिए। तो यहाँ पे काफ़ी सारा नेम, यूज़र नेम, ईमेल वगैरह जो भी है वो मैं यहाँ पे शो करा रहा हूँ, ठीक है। तो हम कहाँ पे शो करा रहे हैं, एक मिनट, ये रहा, ठीक है। नेम, ईमेल, यूज़र नेम हम लोग यहाँ पे शो करा रहे हैं। तो वो कहाँ से मिल रहा है मुझे, इस वेबसाइट से मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेट कर दिया, फिर सेट रिकॉर्ड, मैंने जो मेरा रिस्पांस आ रहा था उसमें सेट कर दिया, फिर ये जो रिकॉर्ड है उसको मैप करा दिया, ठीक है। और यूज़ इफेक्ट के थ्रू क्या करते हैं कि जब भी पेज लोड होता रहेगा वो मेरा जो ये फंक्शन है रन करता रहेगा, और उसमें मेरा क्या है काफ़ी सारा रिकॉर्ड जो फेक डेटा है इस वेबसाइट से आ रही है उसमें लोड हो रहा है, ठीक है। तो एक चीज़ और बता देता हूँ कि जैसे अगर आपको मेरे पास यहाँ पर आपको रिकॉर्ड जो दिख रहा होगा वो कितने रिकॉर्ड्स हैं, 10 रिकॉर्ड्स हैं, बट मुझे यहाँ पे कितने रिकॉर्ड दिख रहे हैं, यहाँ पे 5 ही रिकॉर्ड दिख रहे हैं। तो वो कैसे करना कि जैसे आपके पास 200 रिकॉर्ड है बट आपको आपके क्लाइंट को सिर्फ 10 ही दिखाना है, तो उसके लिए एक छोटा सा लॉजिक है, वो लिखना पड़ता है एक मैप फंक्शन में, और उससे क्या है कि आपका जो डेटा है वो लिमिट में आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, रिकॉर्ड, क्योंकि रिकॉर्ड में मेरा सारा का सारा जो API का डेटा है रिकॉर्ड में आके स्टोर है, डॉट स्लाइस 0
कॉमा फाइव से स्टार्ट फाइव तक वो प्रिंट करेगा डॉट मैप। उसके बाद ये मैप फंक्शन में जो भी आपको टेबल प्रिंट कराना है वो आ गया। तो उसने क्या किया, अप टू फाइव यहाँ पे डेटा दिखा दिया। ठीक है, तो इस तरह से ही मैप फंक्शन भी यहाँ पे काम कर रहा था। और नीचे भी कई सारे आपको ड्यू टैग वगैरह दिख रहे होंगे, कॉलम वगैरह, तो ये नीचे का जो पार्ट है वो ये सब है यहाँ पे। ठीक है, लिस्ट प्रोफाइल वगैरह अकॉर्डियंस वगैरह भी है यहाँ पे, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी है आपके हिसाब से यूज़ करके यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, तो उसका कोड भी यहाँ तक था। तो मैंने क्या किया कि तीन कंपोनेंट में पूरा का पूरा वो एडमिन पैनल बना दिया सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। एक्चुअली एडमिन पैनल बहुत बड़ा होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स भी होता है। अगर आप मटेरियल यूआई का देखेंगे कंपेयर टू बूटस्ट्रैप, तो मटेरियल यूआई का जो एडमिन पैनल होता है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। बट अगर आप एक दो महीने अच्छे से प्रैक्टिस करते हो मटेरियल यूआई में, तो आपको अच्छी तरह से वो आ सकता है। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।